सीडीपी। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? तो उसका सही आंसर होगा, शिक्षक विद्यार्थियों की चित पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। नेक्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? तो उसका आंसर होगा, बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज को प्रमुखता देना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की ने दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? तो उसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर एक। आंसर है पियाजे। और पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है, विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे शादी कौन करेगा? यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रबंधित करता है? तो उसका सही आंसर होगा, लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा। नेक्स्ट है, आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चार, यानी ए और सी। तो ए देखते हैं, आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सकते हैं और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। और सी ऑप्शन है, आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फोर, यह उसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो नेक्स्ट है, जिस कक्षा कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हैं वहाँ एक प्रभावी शिक्षक। तो उसका सही आंसर होना चाहिए, समूह में वैयक्तिक भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनकी सही वर्णन से मिलान कीजिए। तो उसका ऑप्शन नंबर दो जो है, तो उसका सही आंसर होगा, तो देखते हैं, समीप दुराभिमुख दिशा का सही आंसर होगा, सरल से जटिल की और वृद्धि। नेक्स्ट है, शीर्ष पदाभिमुख दिशा का सही आंसर होगा, सिर से पैर का क्रम। नेक्स्ट है, अंतःवैयक्तिक भिन्नताएं, तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, विविध बच्चों भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। और फोर्थ डी जो होगा उसका अंतरावैयक्तिक भिन्नता है, तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन, किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास से एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरी में भिन्न हो सकती है। नेक्स्ट है, संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है, विविध विद्यार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना। तो उसका सही आंसर होगा, सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन क्रमांक
चार, ए बी और सी। इसमें से ए है भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर, और बी है बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके, और सी है विविध अधिगम शैलियों को समायोजित करके। तो ऑप्शन क्रमांक जो चार है उसका आंसर वही है, ए बी और सी। नेक्स्ट है, कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों से ढक रखने को कहती है, और छुओ तथा अनुभव करो वाली सूचना उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष विद्यार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन क्रमांक दो, दृष्टि विकलांग विद्यार्थियों। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम जो उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रखने के अवसर देते हैं? तो ऑप्शन क्रमांक तीन जो है उसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन क्रमांक बी और सी। तो बी देखते हैं, विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते। और डी है, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती। तो ऑप्शन क्रमांक जो सॉरी सी होगा उसका आंसर, बी, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो। तो ऑप्शन क्रमांक बी और सी ये सही है। नेक्स्ट है, दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी उसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? उसका आंसर होगा संभव है, क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। तो नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है। तो उसका सही आंसर होगा सक्रिय और सामाजिक। विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन क्रमांक एक, विद्यार्थियों को सिखाना किस किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें। नेक्स्ट है, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले, तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिसमें हो। तो उसका सही आंसर होना पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। तो उसका सही ऑप्शन है चार। नेक्स्ट है, कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन क्रमांक तीन, शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन क्रमांक दोन, ए बी सी और डी, चारों ऑप्शन उत्प्रेरण। बी है शिक्षार्थी की परिपक्वता, और सी शिक्षण युक्तियां, और डी शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक अवस्था। तो ऑप्शन क्रमांक जो दो है तो उसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, सार्थक अधिगम है, तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन क्रमांक चार, निजी अनुभव से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्णय सॉरी सक्रिय निर्माण। नेक्स्ट है,
विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है? तो उसका सही ऑप्शन क्रमांक दो है, विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना दो। नेक्स्ट है, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित गलत है? तो उसका आंसर है ऑप्शन क्रमांक चार। विकास एक परिणामात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। नेक्स्ट है, डैश डैश तथा डैश डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मांगों और निष्कर्ष के रूप में हो सकता है। तो उसका सही ऑप्शन है एक, वंश अनुक्रम और पर्यावरण। नेक्स्ट है, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन क्रमांक दो, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन? नेक्स्ट है, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य की है? तो उसका सही आंसर होगा कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहती आकृतियां बदल जाए, तो ऑप्शन क्रमांक एक जो है उसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्ध सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन क्रमांक तीन जो है वो उसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, लेव वाइंगोस्की के अनुसार, तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन क्रमांक एक जो है उसका सही, भय स्वभाव को बदल देता है, तो ये उसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, कोहलबर के नैतिक तर्क के सिद्धांत के अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है, इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन क्रमांक चार, ये उसका आंसर है।